यूटिल कंपनी में मोस्टली सभी तरह के सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, चाहे ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो। आप यूटिल कंपनी में किसी तरह का भी सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इनका एक सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सोलर इन्वर्टर है वो है यूटिल गामा प्लस MPPT 1 kVA का सोलर इन्वर्टर, जिसके ऊपर आप 1 kW तक के पैनल लगा सकते हैं। और इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, जिस पर एक पर सिंगल बैटरी लगा सकते हैं, दूसरे पर दो बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ का ये एक ही इन्वर्टर था, लेकिन अभी इसी सीरीज़ का दूसरा इन्वर्टर भी आ गया है जो कि 2 kVA का है। लेकिन यहाँ पर जो इनका 1 kVA का मॉडल था उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था उस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पर जो अभी 2 kVA का आया है इसकी प्राइस रेंज के अंदर और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर आपको काफ़ी सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर हैं या इससे बढ़िया भी आप कह सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इस सोलर पैनल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर इस सोलर इन्वर्टर का जो लोड कैपेसिटी है वो 2 kVA का है, तो लगभग 1.5 kW तक का लोड आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। दो बैटरियाँ लगानी पड़ती है और इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप लगभग 1200 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं 330 वोट के सोलर पैनल तो आप लगा सकते हैं 4 सोलर पैनल को, और अगर आप यूज़ करते हैं 425 वोट के तो वो आप 3 पैनल को ही पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो आपको इसके अंदर 30 वोल्ट से लेकर 99 वोल्ट तक की VOC रेंज मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर आप 72 सेल और 144 सेल जैसे सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 325 वोट के सोलर पैनल का भी उपयोग करते हैं तो दो पैनल को सीरीज में करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है पैरेलल लगाने के लिए, तो आप इसके ऊपर पैरेलल ही कनेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस इसकी एग्जैक्ट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये आपको लगभग 17,000 के अराउंड मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो इनके दूसरे UTL गामा जो मॉडल आता है 2 kVA का उससे थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर उससे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ा कम है, क्योंकि वो 2 kW पैनल को सपोर्ट करता है, ये सिर्फ 1200 वोट के पैनल को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको दूसरी कंपनियों में काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्टन कंपनी में सुपर सीरीज़ का जो 2500 VA का सोलर इन्वर्टर आता है वो आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप 2500 VA तक का लोड चला सकते हैं और 1800 वोट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशन रही वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, हालांकि VOC थोड़ी कम है। स्मार्टन के अंदर आपको 90 वोल्ट की VOC रेंज मिलती है, लेकिन उसके ऊपर भी आप 45 वोल्ट की VOC वाले दो पैनल को सीरीज कर सकते हैं या सभी पैनल को पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो प्राइस है वो लगभग 14,000 रुपये है, 14,000 से सस्ता ही आपको पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि जो पैनल कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी है वो UTL वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है और प्राइस भी UTL वाले से कम है, और इसके ऊपर हैवी लोड भी चला सकते हैं। आप अगर एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड को भी चलाना चाहते हैं तो स्मार्टन वाले के ऊपर चला सकते हैं। वहीं UTL वाले में आपको कुछ खास फीचर मिलते हैं, LED डिस्प्ले मिलती है और यूज़र अपने हिसाब से सभी पैरामीटर को चेंज कर सकता है, और यहाँ पर प्रायोरिटी सिलेक्शन जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोनों ही इन्वर्टर में कुछ कुछ खास फीचर है, लेकिन अगर आप लोड और पैनल को देख के चलेंगे तो स्मार्टन वाला ज़्यादा सही रहेगा, और अगर आप फीचर को देखते चलेंगे तो UTL वाला सही रहेगा। तो यहाँ पर स्मार्टन कंपनी वाले की मदद से आप 1.5 kW तक का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं और UTL वाले से आप 1 kW तक का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाते हैं PWM टेक्नोलॉजी की ओर तो वहाँ पर आपको लगभग 9,000 से 10,000 रुपये में ही मिल जाता है एप्रो कंपनी के अंदर H2200, जिसके ऊपर आप 2 kVA तक का लोड चला सकते हैं, 1600 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि UTL वाले से थोड़ा सा ज़्यादा पैनल को सपोर्ट करता है, लेकिन PWM होने के कारण ये कम VOC को सपोर्ट करेगा। 46 वोल्ट की VOC इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी इन सभी में आपको प्योर साइन वेव, 2 साल की वारंटी जैसे फीचर मिलते हैं, UPS मोड और नॉर्मल मोड, ये सभी फीचर आपको सभी इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका बजट अच्छा है देन आप UTL को ले सकते हैं, अदरवाइज स्मार्टन कंपनी वाला भी ले सकते हैं MPPT के अंदर, और एप्रो वाला भी ले सकते हैं PWM टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर इन सभी सोलर पैनल की एग्जैक्ट प्राइस आपको पता है या आप ये सभी सोलर इन्वर्टर सेल करते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं, इनका प्राइस बता सकते हैं, और इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।